لبيك 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 يا غسان، لبيك 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 يا غسان، لبيك 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 يا غسان، لبيك يا غسان، لبيك 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 يا غسان، لبيك 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 يا غسان، لبيك. कहाँ है? आपको पता है जब घर में दाखिल होते हैं सब सलाम करते हैं। सॉरी मामा, आइंदा ख्याल रखूंगा। आप अपने कॉइन बॉक्स को कहाँ ले जा रहे हैं? ओह मामा, मेरे जो दोस्त हैं ना गजा के अंदर, मासूम बच्चे इतने सारे, उन जालिमों ने मेरे इतने सारे दोस्तों को मार दिया है। मैं ना अपने यहाँ के दोस्तों के साथ फंड जमा करने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्द वापस आना, हमने ईद के कपड़े लेने भी जाना है। ओके मामा, मैं जल्द वापस आऊंगा, लेकिन पहले आप अपने तरफ से भी कुछ रकम डालें इसके अंदर। अच्छा भाई ये लो। मामा एक बात कहूँ, हाँ अपना हमारे ईद के कपड़े भी ना लें, बल्कि जो ईद के कपड़ों के पैसे हैं ना वो भी आप इस फंड बॉक्स में डाल दें, मैं अपने दोस्तों को भेजूंगा। तो बेटा क्या इस दफा आप ईद के कपड़े पुराने पहनोगे? कोई बात नहीं मामा, मैं पुराने पहन लूंगा। मेरे जो गजा के दोस्त हैं उनके पास तो कपड़े भी नहीं हैं, उनके पास जूते भी नहीं हैं। अच्छा चलो ठीक है बेटा, ये लो। अल्लाह ताला गजा के लोगों पर रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप दोनों? आओ ग्राउंड में चलते हैं, वहाँ और भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, उनसे जाकर मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? पहुंच गए और क्या लेकर आए हो? और आप लोगों ने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? फासी देखो, मैं तो मेडिसिन लाया हूँ। और मैं अपने घर से छोटे बच्चों और उनकी अम्मियों के लिए कपड़े, दूध और बाकी सामान लाई हूँ। शाबाश मेरे दोस्तों, आओ मोहल्ले के बाकी घरों में भी जाते हैं और कहते हैं हम फलस्तीन के बच्चों के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। अंकल जी, ये हम फलस्तीन के बच्चों के लिए फंड जमा कर रहे हैं। आपने ना ईद की नमाज पढ़ने के लिए फलस्तीन के फ्लैग के साथ आना है। लबैक 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 या वस, लबैक 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 या वसा, लबैक 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 या वसा, लबैक या वसा, लबैक 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 या वसा। आ जाएं भाई आ जाएं। और अब सारा सामान पैक भी करना है, हमें बहुत देर हो रही है। फासी बेटा, मैं भी ना अपने पास से कुछ नोट गजा के बच्चों के लिए भेजना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी मुश्किलें कम हो। लेकिन जुबैदा, आपके तो बच्चे मासूर हैं और आपका अपनी तनख्वाह में पहले ही बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। कोई बात नहीं बाजी, गजा के लोगों का तो सब छिन गया, मेरा गुजारा हो ही जाएगा। शुक्रिया, जजाकल्लाह मासी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें आसान करे, इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कभी जिंदगी में। जी जीते रहो पासी बेटा, जीते रहो। आओ दोस्तों, अब ये सामान लेकर बाहर चलें, आखिर जमा भी तो कराने जाना है। जल्दी करो, फिर कल ईद हो जाएगी, इससे पहले हम सामान जमा कराएं। हम ये सारा सामान जमा कहाँ कराएंगे, किसको देंगे? मैं तुम लोगों को एक ऐसी एनजीओ के बारे में बताता हूँ जो पाकिस्तान से गजा में सबसे ज्यादा काम कर रही है, अल खिदमत फाउंडेशन। पाकिस्तान का नाम सुना है किसी ने? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जब से गजा के अंदर मुश्किल आई है, 8 अक्टूबर से राशन भी
कपड़े भी, ब्लैंकेट्स भी, और बच्चों के खाने का कुक्ड फूड भी, और सिंपल फूड भी, और टेंट्स भी, और दवाइयाँ भी, और इतनी सारा सामान भेजा है। इवन जो वहाँ के न्यूबॉर्न्स बेबी हैं उनके लिए गिफ्ट भी भेजे हैं। तो हम तो इस एनजीओ को जमा करवाएंगे जो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये हमारा पर वक्त सामान पहुँचाएंगे वहाँ पर। वाह बेटा, ये तो बड़ी कमाल की बात है, ज़रूर आप जाकर वहाँ जमा करवाओ, अल्लाह ऐसे लोगों पर अपनी रहमत करेगा। फाजी बच्चे, फाजी मेरी बात तो सुनो। जी मानू बाबा। बेटा मुझे पता चला है आप भी गजा के बच्चों के लिए जमा कर रहे हो सामान, तो ये मेरी तरह से भी कुछ रकम लेके जाओ। मौली बाबा आपकी तनख्वाह तो पहले ही बहुत थोड़ी है। नहीं बेटा, मेरी तरफ से भी लेकर जाओ, अल्लाह ताला गजा के लोगों पर रहम करे, हमें भी कुछ करने के काबिल बनाए। बहुत शुक्रिया मौली बाबा, अस्सलामुअलैकुम। हम आपके पास ये सारा सामान गजा के बच्चों के लिए जमा कराने आए हैं। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, अल्लाह आप लोगों को बहुत आसानियाँ दे और हम आपका सामान पर वक्त जमा कराएंगे। आए हम सब मिलकर एक दफा कहें लबैक या गाज़ा, लबैक या गाज़ा, ईद के सारे रंग मज़लूम फ़लस्तीनियों के संग।